भी नहीं लगाई, मैंने अपनी शादी पर भी नहीं लगाई थी। घी और बाल हुआ नमाजी असर हमने अदा कर लिए और राशन वाला काम जो है हम अभी पेंडिंग में रख रहे हैं क्योंकि हमारे अफ्तार का टाइम जो है वो होने वाला है। अभी से हम अफ्तारी की तैयारी शुरू करेंगे तो मुकम्मल होगी और माशाल्लाह मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बन चुका है। अस्सलामु अलैकुम, मैं शुएब मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा गुले कलगा माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया है और ये भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। स्ट्रॉबेरी जो हमने लगाई थी उसके पौधे तो बिल्कुल ज़बरदस्त और कुछ नई कॉम्प्लेन भी निकाल रहे हैं, लेकिन बस एक बार इन्होंने फल लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट था, मतलब से पहले से ही इन्होंने लिया हुआ था, उसके बाद इन्होंने फल नहीं लिया। लेकिन जितने खूबसूरत ये पौधे खड़े हैं इंशाल्लाह ये फल लेंगे। क्या हुआ बजी स्क्वाड में से एक को यहाँ पे लगी है चोट, ये आज सुबह सुबह मैंने देखा। मेरे ख्याल में इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई की है और किसी ने चूँच मारी है। शाम के 5 बज गए हैं और अब जो है अफ्तारी की तैयारी का टाइम शुरू हो गया। आज हमारे किचन में कुछ खास बन रहा है अफ्तारी के लिए, देखते हैं क्या बन रहा है। आज हमारा गुलाब कुछ ऐसी हालत में है और ये माशाल्लाह बड़े से बड़ा होता जा रहा है। मुझे था कि ये उसी साइज में रहेगा लेकिन ये बड़े वाला है। और हम जा रहे हैं किचन की तरफ, अहलिया जो है वहाँ पर कुछ बना रही हैं खास हमारे लिए। एहसन कर रहे हैं जी बेगम साहिबा की हेल्प, एहसन सोशल वर्क भी कर रहे हैं हमारे साथ और हेल्प भी कर रहे हैं। क्या बनाया जा रहा है आज? आज कीमा और शिमला मिर्च। आपने बना भी दिया मेरे आने से पहले? पहले कीमे की बुनाई कर ली है, वही मसाला जाल डाल कर। अच्छा, बुनाई अच्छे से हो गई, अब निकल आए तो डाल इसमें शिमला मिर्च। चलिए इसकी प्रॉपर रेसिपी तो नहीं शेयर कर सके लेकिन रिजल्ट देखेंगे क्या बनता है। बस इसके बाद तो कुछ नहीं करना आपने, इसकी बुनाई करके अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के ना फिर इसको उतार। और आज क्या बन रहा है जी खास हमारी अफ्तारी में? आलू के कटलेट्स, एक मेरे नए तरीके से। अच्छा, आपका जो है ना हर दिन नित नया तरीका होता है और नए तरीके से बन रही है आलू की कटलेट्स। वो लड्डू तो नहीं बना रही है, तो वो लड्डू वाला सारा सामान है आपका? में तो हमने अलग अलग हर चीज को किया था और मेरे व्यूवर्स बता रहे थे उनको टैटो बॉल्स कहती हैं। और क्या किया है आपने? आलू मैश कर दिए, उसमें आपने ऐड कर दिए वो ब्रेड को क्रश किया हुआ था। ब्रेड क्रश किया हुआ और उसके बाद क्या कर दिए? इसमें ऐड किया जा रहा है जी कॉर्नफ्लोर। आपका काम खत्म हो गया? हाँ, इसके अंदर अब डालते हैं तमाम मसाला जात। कहाँ है वो? आग जलाते रहे साथ साथ। सूखा धनिया, खुश्क धनिया, लाल मिर्च। लाल मिर्च दूसरी डाली है, बड़ी अजीब सी लगती है पाउडर वाली, ये डाल लेते हैं। ये वाली अच्छी होती है और इसे दहान हो जाके पै जाती है। थोड़ी सी हल्दी और इधर से डालेंगे नमक। और मेरे कुछ व्यूअर्स कह रहे थे आप नेल पॉलिश लगाती हैं। मैंने नेल पॉलिश कभी भी नहीं लगाई, मैंने अपनी शादी पर भी नहीं लगाई थी। और ये एक अर्क होता है जो मेहंदी का बना होता है, घर में बनाते हैं गुड़ के साथ, तो ये वो है जो नेल्स बढ़ने के साथ आगे आगे बढ़ जाता है और ख़त्म हो जाता है। दूर से देखने से लगता है कि मेहरून नेल पॉलिश है इसीलिए। माशाल्लाह दिखने में अच्छी लग रही है, तो खाने में भी अच्छी ही होगी। माँ जी ने ना कभी नहीं खाई शिमला मिर्च। अच्छा, तो माँ जी को मैंने कहा आज ना शिमला मिर्च बनाते हैं, माँ जी कहती भाई सारी मिर्चा पक गई सी। चलें जी, और जब हमारी कुकिंग हो रही होती है जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, बिहाइंड द सीन भी आपको साथ साथ दिखाता रहा कोरोना में। अफ्तार की तैयारी तो हमारी हो ही रही है और कुकिंग में थोड़ा सा पॉज आ गया था, तो इसलिए मैंने सोचा हम बाहर का विजिट करके आते हैं क्योंकि शाम ढलने वाली है और काफ़ी दिन हो गए हैं हमने शाम का मंजर नहीं देखा। माशाल्लाह जब से माह रमज़ान आया है रहमतें और बरकतें जो हैं महसूस हो रही हैं मौसम से, हर वक्त मौसम जो है वो बहुत ही प्यारा बना रहता है। और हमारी सब्जी को लेकर एक गुड न्यूज़,
मिर्ची और सूरजमुखी वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ पर जो हमने लगाई थी जी पेठा और भिंडी वो भी हो रहे हैं। पेठे का पौधा निकल आया, दो पौधे, और यहाँ पर सुपर टाइम मुझे माँ जी दिखा रही थी कि भिंडी भी निकल रही है, ये देखें जी माशाल्लाह। और ये भी धरती का सीना फाड़ के निकल रही है। ये रही हमारी ढलती शाम, एक खूबसूरत शाम जिसमें परिंदे भी वापस जा रहे हैं, शायद आज जल्दी जा रहे हैं, शायद इन्होंने भी अफ्तार करना होगा। और एक सैड न्यूज़, कल से हमारी भैंस बीमार हो गई है और काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई है, चारा भी नहीं खा रही और सुबह तो वो उठ भी नहीं पा रही थी और ऐसे लग रहा है जैसे रो रही हूँ। क्या हुआ, अब तो ये हाथ भी नहीं रखने दे रही। कोई बात नहीं, बीमार बंदा थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाते हैं। कैनोला या सरसों की फसल की हार्वेस्टिंग जब हमने की तो बीज हमने निकाल लिया, बाकी जो बचा उसको हमने यहाँ पे रख लिया स्टोर करके, और ये लकड़ियाँ जो हैं अब जलाने के काम आएंगी, इसलिए गांव में लकड़ियाँ जो है वो मिलती ही रहती हैं, किसी न किसी फसल से लकड़ियाँ बनती रहती हैं, दरख्तों से बन गई, कैनोला से बन गई, या फिर कपास की लकड़ियाँ जिसे हम सोंगड़ा कहते हैं। माँ जी को महसूस होती पी वाल लूँगी, भैंस देखने आया था और साथ में आप ही को भी बुलाने आया था, क्योंकि जैसे पकोड़े आप ही बनाती हैं कोई और नहीं बनाता, वो भी मेथी वाले, तो पकोड़े हम आप ही से ही बनवाएंगे। लेकिन हम ये वाला नज़ारा मिस कर रहे हैं जाते जाते। गर्मियों में यहाँ पर पानी का छिड़काव करके और कीकर की ठंडी छांव में क्या मज़ा आएगा यहाँ बैठने का। लेकिन अभी जो है मौसम कुछ ऐसा है कि बंदे को सर्दी लगती है कभी कभी। आप ही आ गई हैं, बनवाएं जो भी बनवाने हैं उनसे। यहाँ पर आलू की कटलेट का मसाला बनाने के बाद इस तरह से कटलेट्स बनाई जा रही हैं जी, इसकी वो बनाई जा रही हैं, टिकियाँ बनाई जा रही हैं, और आज जो है पकौड़े वो बनाए जा रहे हैं, बैंगन वाले पकौड़े। मसाला बना के रख लिया गया है, आलू आलू भी है साथ ही, सिर्फ बैंगन ही है, आलू और बैंगन दोनों हैं, और इसमें और क्या करना है आपने, जल्दी करें। टिकियाँ बना के रख ली गई हैं और यहाँ पर पकौड़ों के लिए मसाला बनाया जा रहा है। शाजी वो फ्राई लेके आओ, कढ़ाई लेके आओ। और आज पकौड़े कौन सी हैं, बैंगन। एलिया ने कहा कोई काम आप भी कर लें, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो मेरे करने के, क्योंकि मैं कुछ नया ही करूँगा। इसका मुंह बनाते हैं, ठहरे ऐसे करके। मेरे ख्याल में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है जो हम इन कामों में पड़ गए, नहीं तो। और ये उज़ैफ़ा कहेगा मैं घर लेके जाऊंगा, और उसने खाने भी नहीं है। हंसते मुस्कराते रहो हमारे कटलेस की तरह। घी गरम हो चुका है और हमारी हंसती मुस्कराती कटलेस जो है अब जाएंगी घी में, रखें जी। इनकी हंसी गायब ना हो बस, बाकी जो मर्जी हो जाए। और मेरे ख्याल में जब ये बनेंगी ये रो रही होंगी जो इनकी हालत हो रही है। कटलीस हमारे बन गए और जो सोचा था वो नहीं हुआ, वो अब भी हंसी जा रही हैं। कहते हैं इंसान को हर हाल में हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए, ये देखिए तेल की भट्टी से निकलने के बाद भी हंस रहे हैं, थोड़ी सी तो इनकी हंसी टेढ़ी हुई है। इतनी तो बनती है। चूल्हे वाली कुकिंग जो है वो एलिया संभाल रही है, और मैंने सोचा कि फ्रूट काट लें क्योंकि देर हो रही है, टाइम बहुत ही कम रह गया हमारा अफ्तारी में, इसलिए फ्रूट्स काटने की जिम्मेदारी हमारी है। कल जो है हम भाग भाग के एक एक बर्तन करके उठा रहे थे, आज सारे बर्तन मैंने साथ रख लिए। खजूर उठा के लेके आना। कटलीस हमारी बन गई हैं, कुछ ऐसी बन रही हैं, और
अब बन रहे हैं जी पकौड़े। पकौड़े के लिए स्पेशल आप ही को बुलाना पड़ेगा हमें। घी और पालो, दही बड़े। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफ्तार दस्तरखान जो है वो लग चुका है और आज हमारी अफ्तारी में दिखा इसलिए रहे क्योंकि अफ्तार का टाइम हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जान को बुलाया, ठीक जल्दी है, टाइम हो गया आपका। अफ्तारी हो गई, रोजा था आपका, अभी अभी शुरू हुआ है मेरे ख्याल में रोजा आपका, है ना? हाँ जी। अल्हम्दुलिल्लाह आज की अफ्तारी बहुत ही अच्छी रही। रोजे हमारे माशाल्लाह बहुत अच्छे जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत ही प्यारा होता है सारा दिन जब से माह रमजान शुरू हुआ। अभी हम नमाज मगरिब अदा करते हैं और नमाज मगरिब के बाद जो है फिर हम अपना बाकी जो काम है हमारा पैकिंग वाला वो करेंगे और आज के व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा, अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।